दोस्तों आज की वीडियो में दो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा। अगर कोर्ट कब से ओपन होंगे, पहला सवाल ये हर किसी के माइंड में होंगे कि कंटिन्यू कोर्ट कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं। दूसरा, अभी कोर्ट बंद है तो पति और पत्नी को क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं तो डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है कोर्ट कब से रेगुलर होने वाले हैं। दोस्तों हाल ही में आपने देखा होगा, न्यू अपडेट जो आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें बताया गया था कि 25 जो अप्रैल है 2021 में, आने वाली जो 25 अप्रैल है, तब ऑर्डिनरी केस रेगुलर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको 4 महीने का वेट कम से कम करना ही पड़ेगा। कई जगह लोग कहते हैं कि सर मेरी डेट अगले महीने की, इस महीने की। आपने ये चीज़ भी नोट किया होगा कि 4-5 क्या कंटिन्यू मार्च के बाद से, जब से कोरोना लगा है, उसके बाद डेट पे डेट अपडेट होती जा रही है। तो जो आपकी नेक्स्ट मंथ की या जो डेटें हैं, कहीं जगह ऐसा नहीं कि हर जगह ही कोर्ट बंद है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये हर जगह कहीं को जो इम्पोर्टेंट केसेज होते हैं, बेल वगैरह जो भी है, वो चीज़ें चल रही है। लेकिन प्रॉपरली रेगुलरली आपके केस जो है, ऑर्डिनरी केसेज जो भी चल रहे हैं, वो आपको अप्रैल 2021 से ही रेगुलर करने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये क्लियरली कह दिया गया है। तो आपको मिनिमम 4 महीने का और इंतज़ार करना पड़ेगा कुल मिलाकर। फिर भी फिक्सिंग नहीं है दोस्तों, अभी भी ये है नहीं कि अप्रैल से ही आपके कोर्ट चल जाएंगी। लेकिन अब बात करते हैं कि कोर्ट से आपको 1-2 साल काफ़ी टाइमिंग हो गया होगा, पति और पत्नी क्या करें। देखिए, पति और पत्नी दोनों को समझ में आ गया होगा कि कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं रखा, ठीक है। कोर्ट में आपका टाइमिंग वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगी, ठीक है। दोनों ही परेशान, हरासमेंट होना है, ठीक है। तारीख पे तारीख आपको जाना है, एक दूसरे को जाना है। सच्चाई आपको समझ में आ गई होगी कोर्ट कचहरी में क्या मैटर है। एक थर्ड पार्टी मेडिएटर रखिए कोई भी अपने रिलेटिव में। देखो, ईगो अहंकार है तुम में तो लड़ते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक समझदारी वाली बात बता रहा हूँ मैं, अगर आप समझदारी से काम लेते हो। देखो, रहना कोर्ट कचहरी के जाने बाद पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लगता है कि रिश्ता बचने लायक है तो भी आप एक फैमिली तौर पर, कोई भी रिलेटिव तौर पर, थर्ड पार्टी रख लीजिए। अगर आपको साथ रहना तो साथ रहिए, कोई मतलब है नहीं कोर्ट कचहरी में। अगर आपको साथ नहीं रहना तो म्यूचुअल बैठ के आप डिवोर्स की तरफ जाइए। म्यूचुअल अपना जो भी कंसिलेशन है वो चीज़ को क्लियर करिए। जो भी लेन देन, जो भी मैटर है आप दोनों के बीच में, वो ख़त्म कर लीजिए भाई। जिसका सामान है, जो भी चीज़ें हैं, वो दोनों वहाँ पे लीजिए। आगे चल के आपको मिलने वाला कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम मेरे पास काफ़ी फाइलें थी, केस थे, उसमें से काफ़ी 45% जो मैटर थे इस कोरोना के वारण से म्यूचुअल में तरफ चले गए सब। क्योंकि हर किसी को पता है कि कोर्ट कचहरी में जो ईगो अहंकार होता है वो ख़त्म हो जाता है, तारीख पे तारीख मिलती रहती है। इस वजह से कोशिश कीजिए कोई भी थर्ड पार्टी रखे इस मैटर में। कोर्ट कचहरी का पता नहीं कंफर्म कब तक चलेंगे, कब तक नहीं चलेंगे। इससे बेटर है आपका मैटर को क्लोज़ कीजिए। जिसको साथ रहना है वो कोशिश साथ रहने कीजिए, जिसको दूर होना है वो दूर रहने की कोशिश कीजिए। नहीं तो कोर्ट कचहरी में तो आपकी उम्र निकल जाएगी, रिजल्ट आपको मिलने वाला कुछ भी नहीं है। दोनों का हरासमेंट है, ना कभी आपका घर बचने वाला, घर बचने वालों जिनका है उनका ही बसेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों।